नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कम खर्च में मुर्गियों के लिए सभी पोषक तत्व से भरपूर पौष्टिक दाना बना के दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, किसी भी पशु पक्षियों के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग उन्हें सही ढंग से प्रोटीन देते हैं तब वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और उनका वजन भी तेजी से बढ़ता है। प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम ये भी उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अभी मैं आप लोगों को इन सभी पोषक तत्व से भरपूर पौष्टिक दाना बना के दिखाने वाला हूँ। ये दाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए केले के पत्ते। तो सबसे पहले मैं केले के पत्ते काट लेता हूँ। देखिए, इससे पहले भी मैंने केले के पत्ते इस्तेमाल करके मुर्गियों के लिए दाना बना के दिखाया है, पर ये वीडियो उन वीडियो से थोड़ा अलग होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। ये दाना बनाने के लिए अब मैं इस्तेमाल करूँगा केले के पेड़। अब मैं इस्तेमाल करूँगा सहजन के पत्ते। सहजन के पत्ते भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और सहजन के पत्तों को मुनगा भी कहा जाता है। मैंने इन सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है। अब मैं ये केले के पेड़ जो है इसे छोटे टुकड़ों में काटने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये केले के पेड़ का जो ऊपर का भाग होता है उसे निकाल देता हूँ, और ऊपर के भाग को निकालने के बाद ये इस तरीके का हो जाएगा, तब हमें इसे छोटे टुकड़ों में काटना है। देखिए, केले के पेड़ मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये मुर्गियाँ बहुत ही चाव से खाते हैं। केले के पेड़ में विटामिन B6, विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मैंने केले के पेड़ छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं ये केले के पत्तों को भी छोटे टुकड़ों में काटने वाला हूँ। देखिए, केले के पत्ते भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि केले के पत्तों में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। मैंने केले के पत्तों को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं सहजन के पत्तों को भी छोटे टुकड़ों में काट लेता हूँ। सहजन के पत्ते भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि सहजन के पत्तों में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन B6, विटामिन ए, और उसके साथ साथ यहाँ और भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। देखिए, मुर्गियों को 20 से 40% हरा चारा देना चाहिए। अगर हम हरा चारा मुर्गियों को देते हैं तब मुर्गियों में चमक आता है, जिसके कारण मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और एक अच्छे दामों में हम मुर्गियों को सेल कर सकते हैं। हरा चारा में आप लोग मुर्गियों को सब्जियों के पत्ते भी दे सकते हैं, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे घास भी होते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और उन घासों को छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरीके से फीड बनाकर भी आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। और अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से घासों की खेती करना चाहिए उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। ये दाना बनाने के लिए अब मैं इस्तेमाल करूँगा चापोर या चोकर। चापोर में भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B6, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस। अब मैं इस्तेमाल करूंगा धान कमल।
धान के मल भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब मैं इस्तेमाल करूँगा राइस पॉलिश, इसे राइस ब्रान भी कहा जाता है, और ये राइस ब्रान भी मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। ये दाना बनाने के लिए अब मैं धान का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने 1 kg चोकर लिया है, 1 kg धान का मल लिया है और 1 kg राइस पॉलिश लिया है। अब मैं यहाँ 1 kg देसी मुर्गियों के लिए जो स्टेटर दाना आता है वो भी मिला देता हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ी मात्रा में बेसर भी मिला देता हूँ। बेसर मुर्गियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बेसर अगर हम मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ कोई रोग अगर मुर्गियों में है तो वो भी ठीक हो जाता है, और बेसर मुर्गियों को गर्मियों से भी बचाता है। अब मैं इस्तेमाल करूंगा सूखी मछली के पाउडर। ये जो सूखी मछली है ये प्रोटीन का भंडार होता है, और 100 ग्राम सूखी मछली में लगभग 62.82 ग्राम प्रोटीन होता है, और इसके अलावा यहाँ विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से बराबर मिला देता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इन सभी चीज़ों को बाल्टी और गमले में ले लिया है। अब मैं मल्टीस्टर विटामिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने जो दाना मुर्गियों के लिए बनाया है उसमें अगर कोई विटामिन या मिनरल की कमी है तो ये मल्टीस्टर विटामिन उसे पूरा कर देता है। ये कितने मात्रा में मुर्गियों को देना चाहिए वो मल्टीस्टर के बोतल में लिखा होता है, और उसके हिसाब से आप लोग ये मुर्गियों को दे सकते हैं। अब मैं यहाँ मिलाऊँगा मदिरा के कट। जो लोग मदिरा के कट नहीं पहचानते हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, कुछ गांव घरों में अपने कुछ रीति रिवाज के लिए मदिरा बनाया जाता है, और मदिरा का जो वेस्ट राइस होता है उसे मदिरा का कट कहा जाता है, और आसाम में इसे जुगली भी कहा जाता है, और ये जुगली मुर्गियाँ बहुत ही चाव से खाते हैं, और बहुत हद तक ये जुगली मुर्गियों को बीमारियों से भी बचाता है। और दिन में अगर आप लोग 3 टाइम मुर्गियों को दाना देते हैं तो 1 टाइम जुगली के साथ धान के मल या राइस पॉलिश मिक्स करके भी मुर्गियों को दे सकते हैं। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसके एक ड्रम मैंने सिर्फ 5 रुपये में ख़रीदा है। ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो इसके जगह आप लोगों के घर में जो भी वेस्ट राइस होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो मुर्गियाँ खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग दाना बना सकते हैं। ये जुगली जो है ये खासकर सुअर को दिया जाता है, क्योंकि सुअर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं, जिसके कारण उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पानी भी मिला देता हूँ। पानी हमें ज़्यादा नहीं लेना है, हमें कम पानी लेना है, और इन सभी चीज़ों को बराबर अच्छे से मिलाना है। पानी हमें उतना ही लेना है जितने पानी में दाना इस तरीके का होता है, और ये दाना अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं ये मुर्गियों को देने वाला हूँ, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये दाना मुर्गियाँ खाते हैं नहीं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। और आप लोग देख सकते हैं ये दाना मैंने मुर्गियों को दे दिया है, और ये दाना देने के साथ साथ मुर्गियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से फटाफट और बहुत ही चाव से ये दाना खा रहे हैं। ये दाना जो अभी मैंने बना के दिखाया है यहाँ सभी पोषक तत्व मौजूद है। यहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, मतलब सभी पोषक तत्व यहाँ मौजूद है, और आप लोग इसी तरीके से कम खर्च में मुर्गियों के लिए घर में ही दाना बना सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को सिर्फ कमर्शियल फीड खिलाते हैं तब ज़्यादा फायदा नहीं होता है, पर अगर आप लोग उन्हें कमर्शियल फीड के साथ साथ किसी और चीज़ भी मिला के खिलाते हैं तब फीड का खर्च कम हो जाता है और आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा होता है। ये जो दाना अभी मैंने आप लोगों को तैयार करके दिखाया है ये दाना 1 दिन के या छोटे चूजों को कभी भी नहीं देना है। अगर आप लोग छोटे चूजों को ये दाना देते हैं तो उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और उसके वजह से चूजे मर सकते हैं।
अगर आप लोग 100 चूजे लाते हैं तो 100 चूजों को मिनिमम एक बैग प्रीस्टेटर दाना जरूर खिलाइए और वो खत्म होने के बाद आप लोग घर का बनाया हुआ दाना उन्हें खिला सकते हैं। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।